हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आपका सभी का स्वागत है। आज देखिएगा, फिर से हम आपके लिए एक एग्जाम पेपर लेकर आए दोस्तों। यहाँ पर जैसा पेपर आपको 27 और 28 दिसंबर की एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान ग्राम सेवक। और अगर ये पेपर आपने कम्प्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। उन 12 लाख अभ्यर्थियों से आप बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आज देखिएगा, फिर से एक चुनौती है आपके सामने और यहाँ पर पूरा जनरल नॉलेज का है दोस्तों। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या जो आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं वो इसमें रहने वाली है। हर कॉन्सेप्ट, हर सिलेबस के एक एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाया गया है। आज आपको यहाँ पर फिर से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट अभी भी वीक चल रहा है यहाँ पर। अगर कमजोर विषय है दोस्तों यहाँ पर, तो उसको अभी भी आपके पास मौका है, टाइम है, अभी भी उसको कवर कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो आपको सिलेबस जरूर देखना होगा। प्रत्येक जो एग्जाम लगती है उसका सिलेबस जरूर देख लो। देखो, टोटल पूर्णांक 100 होंगे, टोटल जो समय होगा आपका 2 घंटे का समय होगा। प्रश्नों की संख्या 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, राजस्थान कल्चर, भारतीय भूगोल और विश्व के महाद्वीप और महासागर, ये चीज आपके आने वाले हैं। आपको संविधान नहीं पढ़ना है, ना ही इतिहास आपको पढ़ना है, ना ही और राजस्थान की राजव्यवस्था आपको कंप्लीटली पढ़नी है दोस्तों। पर ये आपका सिलेबस है जो कि जारी किया गया है। अब तैयार हो जाएगा, आज पता चलेगा कि आपके अंदर कितना आप दम रखते हो एक पेपर को पूरा क्रैक करने के लिए। तो देखिएगा, आपकी जो एग्जाम लेगा वो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर लेगा। जितने भी एग्जाम पेपर लिए हैं अब तक इस बोर्ड ने दोस्तों, यहां पर उनको आपको पढ़ लेना है एग्जाम से पहले। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताएगा। डेवर झील किस झील का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, राजसमंद, जय समंद, पिछोला या फिर कौलायत। तो आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जय समंद झील को यहां पर डेवर झील के नाम से जाना जाता है और ये कहां पर है? ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइएगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के प्रति यहां पर उत्तरदायी होता है कौन? राज्यपाल। ऑप्शन सी सभी का यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? बताइएगा, लोमी मृदा, जलोढ़ मृदा, बालुई मृदा या फिर चिकनी मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालुई मृदा में यहां पर बाजरे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों यहां पर एक चीज और मैं आपको बता, अभी भी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है। अगर एक एक कॉन्सेप्ट आपको करना है तो यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीरीज चल रही है दोस्तों, यहां पर आपके सिलेबस के तहत। अब तक ये पांचवा वीडियो है दोस्तों, यहां पर पांचवा मॉडल टेस्ट पेपर है। 5 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए, 6 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए दोस्तों यहां पर। अब तक राजस्थान जीके चल रही है, उसके बाद कल्चर चलेगी, उसके बाद भारतीय, भारत का भूगोल चलेगी, उसके बाद विश्व चलेगा, उसके बाद करंट अफेयर चलेगा, ये चीज आपकी करवाई जाएंगी, उसके बाद कंप्यूटर चलेगा। अब देखिएगा यहां पर क्वेश्चन है, कैला देवी का मेला कब लगता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का खनिज है, बताना होगा कौन सा खनिज है? सीसा वे जैसा, मैग्नीज वे टंगस्टन, तामा वे एसोस्टेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीसा और जैसा राजस्थान का प्रमुख खनिज है, क्योंकि राजस्थान उत्पादन में एक अधिकार स्थान है सीसा और जस्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनु भंडारी का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको करेक्ट आंसर। ये एक लेखिका, अभिनेत्री, गायिका या फिर गणितज्ञ। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक लेखिका थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, बताइएगा अजीत भवन, उम्मेद भवन या फिर जसवंत दड़ा या फिर यहां पर मेहरानगढ़। तो इसका सही आंसर बताइएगा सभी अभ्यर्थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जो देश का पहला हेरिटेज होटल है वो हो जाएगा अजीत भवन हो जाएगा। और ये अजीत भवन कहां पर है, ये है जोधपुर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर, यहां पर आपको जोड़ा पहचानना है कि कौन सा सही है। तो देखिएगा जो बिल्कुल सही है यहां पर पतंग महोत्सव जैसलमेर, ये गलत है यहां पर। और देखिएगा बोहरा समुदाय का जो उर्स लगता है वो गलिया कोट में लगता है, ये यहां पर बिल्कुल सही है। और गरुड़ मेला जयपुर में, ये जयपुर में नहीं लगता है, ये भरतपुर में लगता है, ध्यान रख लेना। तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। तो आपके जो सही निकल के आ रहे हैं ए नंबर और यहां पर तीन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और तीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नौवीं नंबर का क्वेश्चन है, नवलखा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, पाली में, सिरोही में, भीलवाड़ा में या फिर जोधपुर में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर जितने भी देखिएगा, अगर आप कंफ्यूज है और यहां पर आपसे जैन मंदिर और यहां पर प्रतिहार शैली के जो मंदिर अगर आपसे पूछ लिए जाए, तो ध्यान रख लेना जितने अधिक जो प्रतिहार शैली के जो जैन मंदिर और प्रतिहार शैली के जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो यहां पर दक्षिण पश्चिम राजस्थान में सबसे अधिक बने हुए हैं, पाली सिरोही जिलों में सबसे अधिक बने हुए हैं दोस्तों। यहां पर यहां से अगर पूछेगा स्मारकों में से, मंदिरों में से, स्थापित कला में से अगर पूछता है तो वो आपसे मंदिर जरूर पूछता है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है, ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर दीजिएगा, देखते ही आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर में यहां पर कछारी मिट्टी पाई जाती है, इन जिलों में, यानी कि पूर्वी राजस्थान में कछारी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, रोजा भाकर या फिर यहां पर इसराना भाकर या फिर झारोला पहाड़ या फिर तारागढ़। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तारागढ़। अब तारागढ़ कहां पर है, तारागढ़ आपको पता है यहां पर अजमेर में हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर में हो जाएगा। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है 873 मीटर ऊंचा है ये, यहां पर अजमेर का सबसे बड़ा पर्वत शिखर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 12वीं नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी के प्रमुख कारक है, बताना होगा शिक्षित लोगों की मांग में पूर्ति असंतुलित या फिर यहां पर मांग में पूर्ति में असंतुलन या फिर तकनीकी प्रशिक्षण में आवश्यकता, योग्यता की कमी या फिर दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था या फिर उपयोग सभी। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न तथ्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब यहां से देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ये यहां पर एक जिला आपको पहचानना होगा जो कि इन कथनों पर सही बैठ रहा है। अब देखिएगा, काले हिरणों के अभ्यारणों के लिए प्रसिद्ध है कौन है, चूरू, बिल्कुल सही है। हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चूरू बिल्कुल सही है। सबसे कम वन किस जिले में है, आपको पता है, मैंने बार बार आपको बताया है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू हो जाएगा। और दूर 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 तक रेत के टीले अनाच्छादित है, तो ये हो जाएगा चूरू। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मनरेगा का संबंध किससे है, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, छात्रों से या फिर रोजगार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, रोजगार सृजन करने से है दोस्तों। यहां पर ये केंद्र सरकार की एक परियोजना है जो कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो यहां पर ये रोजगार सृजन करने का जरिया है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है कहां पर है। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ताजा रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है, ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर रूस।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन विश्व का सबसे बड़ा धनी देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहां स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर ईटानगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, हैदराबाद में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? पहचानिएगा, यहां पर ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से आपको वह मार्कशीट में भरने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, यहां मैदान किसी के लिए अनुपयुक्त है? इसकी औसतन समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, यहां जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, या फिर इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो इसमें से सही आपको पहचानना होगा। तो देखिएगा यहां पर इसका हो जाएगा दो नंबर आपका बिल्कुल सही है, और यहां पर देखिएगा तीन नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दो और तीन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है, लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान है कौन सा है? अब देखिएगा यहां पर है नाग पहाड़ है अजमेर में, और यहां से लूनी नदी निकलती है, और ये प्रवाह क्षेत्र है लूनी नदी का, ये प्रवाह क्षेत्र है। अब क्या पूछा है, इसके पूरब में कौन सा स्थान है? अब इसका पूरब कौन सा हो जाएगा, ये इसका पूरब जो क्षेत्र है, ये इसका पूरब का क्षेत्र हो जाएगा, इसमें कौन कौन से स्थान है अब बताना होगा आपको सही आंसर। देसूरी, कुंभलगढ़, देवगढ़, अजमेर या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान के किस जिले में मरू राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? जालौर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाड़मेर में हो जाएगा। ध्यान रख लेना, बाड़मेर और जैसलमेर में राजस्थान का सबसे बड़ा यहां पर जो अभ्यारण है ये फैला हुआ है, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये जैसलमेर में फैला हुआ है। ध्यान रख लेना, 1900 के वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, बाकी यहां पर ये फैला हुआ है बाड़मेर में। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं, क्या कहा जाता है बताएगा? तो इसको कहा जाता है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खरीफ की, खरीफ का मौसम कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से सही की पहचान कीजिएगा, अलवर डिंग ये गलत है, अजमेर सोनी की नसिया ये यहां पर सही है, भरतपुर डिंग ये सही है, बीकानेर कोलायत ये भी सही है। तो अपना दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, दो तीन चार कहां पर है, दो तीन चार, तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है बताइएगा? तो इसको बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है बताना होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपको पहचानिएगा, देखिएगा सिरोही की बिल्कुल सही है, ये सिरोही की लगती है, और यहां पर देखिएगा भीलवाड़ा की, यहां पर भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा की नहीं लगती है, डूंगरपुर की यहां पर डूंगरपुर है इसकी भी लगती है, और प्रतापगढ़ यहां पर है इसकी नहीं लगती है। तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने निकल के आ रहे हैं सिरोही और यहां पर डूंगरपुर, यानी कि एक नंबर और यहां पर तीन नंबर आपके बिल्कुल सही है, एक और तीन कहां पर है, एक और तीन, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हाल ही में किन फिल्मों में मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है बताना होगा, किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र की फिल्मों से इसका संबंध रहा है? तो इसका जो संबंध रहा है वो कन्नड़ फिल्मों से इनका संबंध रहा था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में उसका 46 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण यहां पर भूमिका निभाई है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है बताना होगा, किस में है, अनुच्छेद में।
देखिएगा आपको राजस्थान की राज व्यवस्था यानी कि बिल्कुल पूरा राज्यपाल से लेके और बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था तक तो पूरी पढ़नी है, क्योंकि उनमें से आपके 8 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान की राज व्यवस्था से। तो आपके सिलेबस देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस में राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की राज व्यवस्था, ये तीनों चीज आपको राजस्थान लेवल की पढ़नी है। राजस्थान की करंट अफेयर आपको पढ़नी होगी, भारत का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत का कल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, विश्व के महाद्वीप, महासागर और भौतिक विस्तार आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा यहां पर। और मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को मैं कवर करवा रहा हूं दोस्तों, यहां पर अब तक 5 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें यहां पर 6 से 7 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपके अपने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, यहां पर सब्सक्राइब कर लो। और एक बहुत बड़ी बात आपके सामने यह है, खुशी की बात है कि आपके लिए कुछ ही दिनों में फ्री ऐप लॉन्च होने वाला है आपके ऑनलाइन स्टडी न्यूज YouTube चैनल की तरफ से दोस्तों। यहां पर जितने भी अभ्यर्थी हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, 1,20,000 अभ्यर्थियों से ज्यादा जुड़े हुए हैं दोस्तों यहां पर, उनके लिए बिल्कुल फ्री में प्रत्येक राजस्थान का प्रत्येक भर्ती का कोर्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों यहां पर। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहां पर, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा यहां पर कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर बने रहिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अनुच्छेद ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 67 अनुच्छेद में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य विधानसभा का निम्न सदन होता है, कौन सा होता है बताएगा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा, सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है, बहुत करेंटली क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहां पर बताएगा, रानी कमलावती, रानी पद्मावती, रानी मस्तानी या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा रानी कमलावती के नाम पर रखा गया है, पहले इसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और इसे एयरफोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया है यहां पर। 1700 यहां पर पैसेंजरों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जैसे एयरपोर्ट पे की गई है दोस्तों, यहां पर बैटिंग कक्ष बनाया गया है बहुत बड़ा यहां पर, और राजस्थान के 2 स्टेशनों को भी बनाया जा रहा है यहां पर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन और उदयपुर रेलवे स्टेशन को भी इसी तरह से विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, ऐसा महाद्वीप जहां पर मरुस्थल नहीं है कौन सा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला है यहां पर, अपरदन के किस कारण द्वारा बरखान का निर्माण होता है। अब देखिएगा आपको पता है बरखान इस प्रकार का होता है, अब बताना होगा ये किस प्रकार से बनता है, नदी से बनता है, पवन से बनता है, हिमनद से बनता है या फिर भूमिगत जल से बनता है। तो इसका जो कारण है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यह है पवनों के वेग से बनता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है बताएगा। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीआईसी मैन यहां पर T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो खिताब जीता है यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक वर्ष में, बताना होगा कब किया जाता है, 5वें वर्ष, 4थे वर्ष, 3रे वर्ष या फिर 10वें वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, प्रत्येक 5वें वर्ष में इसका गठन किया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, उत्तरी सरकार तट, कारोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालवार का तट है। तो बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर
कोरोमंडल का तट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब तमिलनाडु का जो समुद्री तट है, तमिलनाडु कहां पर है? ये है दोस्तों यहां पर। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर इसको कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है राज तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित ग्रंथ है? बताना होगा करेक्ट आंसर, संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर डोंगरी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बेह झील जिस पर एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, कौन सा है? डिडवाना, सांबर, जयसमंद या फिर राजसमंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये बनाए गए हैं जयसमंद पर बनाए गए हैं दोस्तों यहां पर, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल और यहां पर झारखंड की ये संयुक्त परियोजना है। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है बताइएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर जिलाधीश होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिप्सम के भंडार स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। बताना होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल में सबसे अधिक यहां पर लिंग अनुपात वाला राज्य हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? स्मारक आपसे पूछा जाएगा 100% एक स्मारक आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में चाहे वो भारत के संदर्भ में क्यों ना हो। देखिएगा सारनाथ, वाराणसी, सांची या फिर गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर सांची हो जाएगा, और ये सांची कहां पर है? सांची हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस नृत्य का संबंध असम राज्य से है? गरबा, पणिहारी, बिहू या फिर घूमर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिहू, सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं, धान, मक्का या फिर ज्वार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गेहूं पर पड़ा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। अगर यहां पर देखिएगा गेहूं के स्थान पर अगर चावल होता तो चावल भी यहां पर सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित परियोजना व उनसे संबंधित जिलों के नाम का कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। देखिएगा ओरई परियोजना है नागौर की, क्या ये सही है? तो देखिएगा ये गलत है, ओरई है चित्तौड़गढ़ में है ना कि नागौर में, तो इसका ये गलत आंसर हो जाएगा। और पार्वती आपको पता है पार्वती नदी धौलपुर में है, तो यहां पर ये परियोजना चल रही है। जवाई बांध पाली में है, ये सही है। जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो गलत आपके सामने निकल रहा है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के अवरक व्यापार में भारत का योगदान है, बताना होगा कितना प्रतिशत है? तो आपका जो सही आंसर है 100%, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विजय दान देता का संबंध है किस क्षेत्र से है बताइएगा? लोक कला से है, लोक नृत्य से है, लोक साहित्य से है, लोक संगीत से है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर लोक साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कटारी भात से संबंध है, बताना होगा कटारी भात से क्या आशय है? एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र या फिर एक प्रकार का रीति रिवाज। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का वस्त्र है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको कौन आदिवासी समाज में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, केरीवाद की, भातवाद की, लहरवाद की, ये सभी चीजें यहाँ पर, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जच्चा गीत किसे कहते हैं बताइएगा?
तो जच्चा गीत गाया जाता है, पुत्र जन्मोत्सव के संबंध में ये गाए जाने वाला लोक गीत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिएगा अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज रहे होंगे, भाई आपको भारत का संविधान नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन डालने का मतलब ये था, आपको समझाना था कि यहां पर ध्यान रख लेना, आपको बिल्कुल ना तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है ना प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, संविधान आपको इंडियन लेवल का संविधान आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और यहां पर पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान चुनाव आयोग, ये सभी आपको पढ़नी है, लेकिन ये चीज आपको नहीं पढ़नी होंगी दोस्तों यहां पर संविधान में। ध्यान रख लेना आपका जो सिलेबस में दे रखा है वो मैंने आपको बता दी है, पहले भी सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, और स्टूडेंट ये बता दे माइनस मार्किंग कितनी है, तो ये क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, ये क्वेश्चन पूरा गलत है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, बताइएगा, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, राज्यपाल के पास होती है ये शक्तियां, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोलियों के अंतर्गत यहां पर गिनी जाती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये बोलियां हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसपिटिंग है, हो जाती है कभी सभी, गलती हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा, राजस्थान की कौन सी बोली राजस्थान की बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है, बताना होगा, मेवाती, अहिरवाटी, ब्रज या फिर बांगड़ी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर, जो ब्रज भाषा है ये नहीं आती है। अब ये ब्रज भाषा कहां है, यूपी में बोली जाती है, और यूपी में मथुरा, आगरा, इंच, अलीगढ़ और यहां पर ये इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ये बोली जाती है ब्रज बोली, और राजस्थान की है मेवाती है, अहिरवाटी है, बागड़ी है, ये बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है आपके सामने, ब्रज, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। मैंने आपको राजस्थान की जलवायु कंप्लीट करवा दी है, भौतिक प्रदेश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, राजस्थान के अभ्यारण्य मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, राजस्थान की कृषि मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, वन आपको कंप्लीट करवा दिया, राजस्थान की स्थिति विस्तार मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और उनके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों यहां पर, जिसमें राजस्थान ग्राम सेवक के मॉडल टेस्ट पेपर उसी में मिलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट कोर्स आपको बिल्कुल उसी में मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी प्लेलिस्ट पे नहीं पहुंचा है तो चैनल पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप चैनल को खोलते हैं वहां पर वीडियो का ऑप्शन आता है, तो वीडियो के नीचे आपको वहां पर इधर जाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसके नीचे आपको सबसे पहले राजस्थान ग्राम सेवक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विश्व के चार सबसे बड़े महासागरों में कौन सम्मिलित नहीं है, बताइएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर भूमध्य सागर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर, जो भूमध्य सागर है ये महासागरों की गिनती में नहीं गिना जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूमध्य महासागर कहां पर है, ये हो जाएगा यूरोप में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताइएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उड़िया हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व का सबसे संघन बसावट वाला रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल, सहारा, गोवी या फिर अटाकामा मरुस्थल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा थार का मरुस्थल। देखिएगा दो टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं मरुस्थल से संबंधित, कि ये यहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है और सबसे अधिक बसावट वाला भी मरुस्थल है, और ये कहां पर है, ये एशिया महाद्वीप में है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है। यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों यहां पर, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि भारत में वर्तमान में कोयले की कमी चल रही है, तो इस समय हो सकता है कुछ खनिजों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, या फिर बिजली उत्पादन की इकाइयों के नाम आपसे पूछ लिया जाए, या फिर कोई उद्योग आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर
आता है चीन आता है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन आ चुके हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर आपने जनरल नॉलेज के टोटल क्वेश्चन आपने 56 कर दिया है, तो आपको बताना होगा कि 56 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है यहाँ पर, जिसमें आपको करेंट अफेयर कंप्लीट करवा दी है। और यहाँ पर देखिएगा राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की जो राजव्यवस्था है वो, और यहाँ पर भारत का भूगोल और भारत का कल्चर और विश्व के महाद्वीप वगैरह, ये जहां से क्वेश्चन आने थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इस पेपर में आ चुके हैं। अब जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो यहां पर आने वाले हैं, कंप्यूटर में आपको भी बताना होगा कि आप कहां तक पहुंचे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर का, तो देखिएगा कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, बताना होगा मेमोरी में, रैम में, सीपीयू में या फिर मदरबोर्ड में, कहां पर होती है। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू में होती है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, हार्ड डिस्क, फ्लैक्स ड्राइव, डीवीडी या फिर कीबोर्ड। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, कीबोर्ड में स्टोरेज नहीं किया जा सकता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, बताएगा लॉगिंग ऑफ या फिर कोल्ड बूटिंग या फिर शट डाउन या फिर बॉम बूटिंग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसको कहा जाता है बॉम बूटिंग के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, बताना होगा सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिस्टम यूनिट का जो भाग हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर यहां पर एक्सेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक्सेल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जो हार्डवेयर में आते हैं वो माउस आता है, प्रिंटर आता है, मॉनिटर आते हैं, और यहाँ पर जो भी डिवाइस आपके सामने देखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के आमने सामने इधर उधर, ये सभी हार्डवेयर सिस्टम होते हैं, और जो एक्सेल होता है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है, इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या फिर सिस्टम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा प्रोग्राम, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर इसको कहा जाता है मदरबोर्ड कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर रहती है, सीपीयू में रहती है, तो उससे यहां पर ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस या फिर जावा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जावा हो जाएगा, जावा एक भाषा है ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, एल्टा वेस्टा है एक प्रकार क्या है, ये दोनों तीनों यहां पर, एल्टा वेस्टा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या फिर सर्च इंजन। तो आपका सही आंसर दे रहे हो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सर्च इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर, मॉडम या फिर इंटरफेस कोड या फिर केवल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर मॉडम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्यतः नष्ट करता है, बताना होगा आंकड़ों को, प्रोग्रामों को, उपकरणों को या फिर हार्डवेयरों को। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये प्रोग्रामों को नष्ट करता है, सॉफ्टवेयर जो आप बनते हैं यहां पर उनको यहां पर ये नष्ट करने करता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, लिपि, पढ़ाई, समझ या फिर संघर्ष। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हिंदी के क्वेश्चन है ध्यान रख लेना, हिंदी आपसे पूछी जाएगी और हिंदी के जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो 15 और 10 के बीच में जो रेशो है यहां पर इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यहां पर कंप्यूटर का जो रेशो है यहां पर आपको पता है, कंप्यूटर जो भी क्वेश्चन आएंगे 10 से और 12 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे। तो मैंने अभी आपके कंप्यूटर बताए, अब हिंदी के स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें से बताना होगा सही आंसर।
तो देखिएगा स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये जो संघर्ष है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा बताएगा, तो आपका सही आंसर दे रहे हो यहां पर शत्रुता, यहां पर ये भाववाचक संज्ञा यहां पर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पैसा कमाना एक बात है उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य कौन सा है, मिश्रण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर युगल वाक्य है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है बताइएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा शिवापर्ण में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है, आंसर बताइएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किसी की बात नहीं सुनना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलज, अंबुज, मानसिज या फिर पंकज, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मनसिज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मनसिज, यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, तो बताएगा इसका सही आंसर, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द है उनको अनेकार्थी शब्द ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अध्यापक शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, तो अध्यापक का जो स्त्री रूप होगा वो अध्यापिका हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, आसमान पर छन्ना मुहावरे का अर्थ बताइएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सूर्य उदय का सही संधि विक्षित क्या है, ऑप्शन है करेक्ट आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सूर्य प्लस उदय, यहां पर सूर्य उदय का संधि विक्षित हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है, पारंपरिक, नवागत रूप या फिर आधुनिकरण या फिर नवीनीकरण, यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों, यहां पर देखिएगा बहुत से अभ्यर्थी आधुनिकरण कर रहे होंगे, बहुत से नवीनीकरण, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो नवीनीकरण हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गमन का विलोम शब्द, आपसे देखिएगा हिंदी में आपसे पूछ सकता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, संधि समाज, मुहावरे, लोकोक्तियां, और यहां पर देखिएगा ये तो 100% आपको पूरे जो यहां पर करने हैं कंप्लीट, और जो आपका सिलेबस जारी किया है उसमें केवल और केवल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दिया गया है, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए हैं, तो लगभग आप 20 से 25 कॉन्सेप्ट हिंदी के हैं, उनको आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर हिंदी में आपका जो रेशो रहेगा प्रश्न आने का वो 15 से 12 प्रश्नों का रहेगा, तो इसका सही आंसर बताएगा गमन का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो गमन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रतिसंबंध अशुद्धियां है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो नारी में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम, तो परोपकार में जो संधि का प्रयोग हो रहा है यहां पर वो हो रहा है यहां पर गुण संधि का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, दिल पक जाने का अर्थ है बताना होगा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अत्यधिक पीड़ित होना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अजात शत्रु में कौन सा समास है, दिगु, बहुब्री, द्वंद या फिर कर्मधारय, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर अजात शत्रु में हो जाएगा बहुब्री समाज का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, तस से मच न होना का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएगा, कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना, सहन करना, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपनी बातों से नहीं हटना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अरहन का पर्यायवाची है देवदारु, हरियाली, अकेला या फिर कानन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वैसे अरण को जंगल कहा जाता है और जंगल का यहां पर दूसरा जो कहा जाता है उसको कानन भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, शुद्ध की पहचान कीजिएगा। तो आशीर्वाद, अब देखिएगा ऑप्शन आपका कौन सा सही है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आशीर्वाद, इस प्रकार लिखा जाता है यहां पर आशीर्वाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे कहलाते हैं, बताना होगा क्या कहा जाता है उनको, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर समूहवाचक संज्ञा है कौन सी है। तो समूहवाचक जो संज्ञा है वो आपके सामने कक्षा हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आप लोगों ने जनरल नॉलेज का जो आपका ग्राम सेवक का जो पेपर था वो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपने इन 89 प्रश्नों में से टोटल प्रश्न कितने किए हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर आप कहां तक पहुंचे हैं, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है उसको कवर कर लीजिएगा यहां से, और वीडियो कैसा लगा आपके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर अगला जो कॉन्सेप्ट होगा आपका वो राजस्थान ज्योग्राफी हमारी चल रही है, वो छठे नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहां पर। इनकी प्लेलिस्ट आपको पूरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी यहां पर, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है पिंकेश मीना राजस्थान जीके ग्रुप है। टेलीग्राम पर आप जाओगे तो 17,000 स्टूडेंटों का वहां पर ग्रुप है दोस्तों यहां पर, उसको ज्वाइन करके वहां पर आपको रोज प्रश्न करने का मौका मिलेगा, जहां पर 30,000 से अधिक प्रश्न वहां पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, और जरूर अपने सुझाव जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर। शेयर जरूर कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहां पर, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नोटिफिकेशन आने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को।